Toto, ang BIOS yan yung basic input output system के बारे में सुनाई हुआ अगर आप जानना चाहते हैं BIOS क्या होता है तो ये वीडियो देखते रहिए मेरा नाम निशांत ज्योति आप देख रहे हैं निशांत भारत लेट्स स्टार्ट दोस्तों अपने BIOS के बारे में यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में सुनाई होगा बात करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता क्या है ये एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है यानी आपको जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड में एक CMOS चिप होती है CMOS चिप इसके अंदर ये इंस्टॉल होता है जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आप देखते होंगे सर जो पहली स्क्रीन आती है आपके सामने आपके पास HP का है तो आपके पास आती होगी ESC टू स्टार्ट स्क्रीन मेन्यू और अगर दूसरी कंपनी है तो आपके पास F9 या फिर कोई और की ऑप्शन आता होगा ये होती है BIOS सिस्टम अब ये काम कैसे करता है मान लो आपके कंप्यूटर में जो पहली स्क्रीन आई है यानी ये सीधे आगे आपने उसको BIOS को ओपन किया अब BIOS में आपको कंप्यूटर सेटिंग आ जाती है यानी कि आपको कंप्यूटर का टाइम उसकी डेट और कंप्यूटर आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है क्या आपने अपने जो प्रोसेसर है उसको फास्ट प्रोसेसिंग में रखा है या फिर उसकी क्या क्या सेटिंग है उसमें आपकी कंप्यूटर में कितनी GB हार्ड डिस्क लगी हुई है कौन सा प्रोसेसर है कितनी GB रैम है कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ये सारी डिटेल आप BIOS के अंदर चेक कर सकते हैं साथ ही आप BIOS सेटिंग चेंज कर सकते हैं या फिर आपको कभी विंडो बूट करना हो तो आप अपने कंप्यूटर BIOS सेटिंग जाकर फिर से नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं ये होते हैं BIOS के काम साथ ही आप BIOS के जरिए अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं और आप BIOS मेन्यू में जाकर अपने प्रोसेसर में काम में आ रही इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर सकते हैं साथ ही साथ कंप्यूटर टेम्परेचर चेक कर सकते हैं ये होते हैं BIOS के काम बात करते हैं BIOS की अगर सेटिंग कभी खराब होती है तो आप इसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं इसमें आपको एक रिस्टोर पिन भी दी होती है जो आपके मदरबोर्ड में लगी होती है मगर आप अगर इसे दूसरी तरीके से रिस्टोर कर देते हैं तो मदरबोर्ड में जो सेल लगा हुआ होता है आप उसे अगर निकाल देते हैं BIOS में सेटिंग सारी डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है क्योंकि जो जितनी भी सेटिंग है वो उसमें लगी हुई उसी सेल के जरिए काम करती है अगर आप उस सेल को निकाल देते हैं तो इसमें CMOS चिप में जितनी भी आपकी सेटिंग इंस्टॉल है सारी क्लियर हो जाती है और आपका सिस्टम डिफॉल्ट सिस्टम में सेटिंग में आ जाता है तो इसमें जो सेल लगा हुआ है उसी के कारण ये CMOS चिप काम करती है अब कई बार देखा मदरबोर्ड में जो सेल लगा होता है वो सेल सिर्फ CMOS चिप को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए काम में लिया जाता है ताकि आपकी मदरबोर्ड की जो जितनी भी सेटिंग है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी वो मदरबोर्ड की सेटिंग रिस्टोर ना हो आप दोबारा कंप्यूटर करें तो आपको वही टाइम और डेट देखने को मिले ये होती है BIOS के काम मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका है BIOS क्या होता है और ये कैसे काम करता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन